स्वागत है भाई आप सभी का हमारे दूसरे ब्लॉग में। तो देखिए भैया अब आए हैं पुछरी का लोटा, दिखाते हैं आप सबको। भाई जी है श्री मंदिर पुछरी का लोटा, तो देखिए गाइस दर्शन कर लीजिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो भाई अभी हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर जरखोण, तो दिखाते हैं भाई आपको, आपके चल के दर्शन करवाते हैं भाई, जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। नहीं गाइस, बालाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। और देखो भाई रास्ते में बारिश आ गई है, बालाजी महाराज प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे, यहाँ प्रकट हो रहे हैं गाइस। गाइस देखियो कहीं काम ही आ रहा है भाई, राजस्थान में भी, बाकी हम राजस्थान यूपी के बॉर्डर के थोड़ी साइड है भाई। बारिश ही बारिश गाइस, बारिश ही बारिश। गाइस केदारनाथ 32 किलोमीटर है, क्या है, कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस ये जलमहल की नगरी में हमारा स्वागत, जलमहल की नगरी में हमने प्रवेश कर लिया है। और ये देखिए जलमहल है गाइस, ये जलमहल है गाइस, किले है भाई ये। जलमहल में एंट्री हो चुकी है वो हमारी, आपको दिखाते हैं भाई अंदर का नजारा, जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। अच्छा ठीक है, तो गाइस ये अंदर का कुछ ये सीन है, यहाँ पे पार्क वगैरह है, बाकी हमने सोची थी जल पाओगे पर यहाँ पे पार्क वगैरह। गाइस गाइस ये महल है और ये का नजारा कुछ ऐसा है। चलो महल के अंदर देखते हैं, जाने देंगे या फिर बंद है ये कुछ एरिया भैया का। तो गाइस जी हम सोच रहे थे जल महल है पर यहाँ पे तो मड़ा सा भी जल नहीं दिख रहा गाइस, तो रहन दो फिर नहीं। ये यहाँ का कुछ मंदिर है गाइस, वो मंकीज घूम रहे हैं। चलो गाइस आपको और आगे जाके दिखाते हैं, ये यहाँ का कुछ पार्क वार्क है। तो गाइस ये कुछ ऐसा है, देखते हैं भाई कहीं पे जल दिखता है नहीं दिखता, बाकी जलमहल नाम दे रखा है इसको। तो गाइस हमारे साथ धोखा हो गया, हमें जलमहल का नाम दे के गाइस ये ग्रीन महल दिखा रही है पार्क का। A few inches later. इस फाइनली हमें जल महल मिल गया है, ये देखिए ये है जल और ये है महल, कुछ ऐसा मिला गाइस। ये यहाँ का किले है गाइस, ये कुछ आपको दिख रहा होगा लाल किले जैसा, बट ये पीला किला है। तोप है ऊपर, तोप पे दिखा लूँ, चल गाइस वहाँ पे ऊपर तोप है जो दिल्ली का लाल किला तोड़ा था, जिसने दिल्ली का लाल किला तोड़ा था भाई झाड़ते हैं। और ऊपर दिखा दो उधर ही तोप, गाइस वो वहाँ पे भी तोप है, बाकी हम जाते हो नोड के बराबर भटक जावा, दिवाली नज़दीक आ रही है तो गाइस वहाँ पे लते धो रहे हैं। ये है भाई कुछ ऐसा जलमहल। तो गाइस हमारे साथ यहाँ पे पोपट हो गया है, हम आए थे जलमहल देखने लेकिन हमें जलमहल का कुछ मतलब मिला ही नहीं कि हाँ भाई ये जलमहल हो गई, ऐसा लग ही नहीं रहा क्योंकि हर जगह पार्क है। और गाइस थोड़ा सा जल मिला था तो हम उसको जलमहल, वो तो आप लोगों की इच्छा, आप उसको जलमहल कहोगे फिर नहीं कहोगे। गाइस जलमहल देख लिया हमने, अब हमें यहाँ से निकल रहे हैं।
उत्तराखंड दम प्राचीन हनुमान मंदिर में आ गए। ये पहाड़ों में है भाई, राजस्थान में। तो गाइस देखो ये पहाड़ी पहाड़ है गाइस, यहाँ पे पहाड़ है। अब हम पहाड़ पे बाइक लेके जा रहे हैं अपनी, तो बने रही हमारे ब्लॉग में गाइस। देखो ये नजारे देखो भाई आप, वाओ ब्यूटीफुल। आप फोन में से एक भी नहीं पा रहे हो, इतना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस यहां का। बस आप एंजॉय करो घर बैठे। अच्छा हमको सिखा रही है। फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये भाई मंदिर का गेट है, ये देखो भाई ये मंदिर का गेट है। ये गौ माता, ये हमारी गौ माता गाइस, जय गौ माता की। ये हनुमान मंदिर है गाइस, स्पॉट होगी गाइस। चलो गाइस आपको दिखाते आगे का व्यू। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। वो भाई हमारे साक्षात हनुमान जी और जो महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पर। ये बालाजी महाराज की मूर्ति पंडित जी है गाइस। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है उत्तराखंड प्राचीन में, भोलेनाथ जी का मंदिर है। गाइस ये देखो बिल्कुल असली के सांप की तरह लग रही है हमारी शिवलिंग पे, नाग देवता असली का सांप लग रहा है बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। यहाँ के पुजारी हैं, इनका ध्यान तो चुका है। और ये हमारे कन्हैया जी, ये हमारे पुजारी थे यहाँ पे। यहाँ के पुजारी थे, इनकी जो अंदर आपको फोटोज दिखाई थी वो इनकी थी, तो इनकी यहाँ पे समाधि बना रखी है गाइस। ये भी उन्हीं की बना रखी है, रामदास बाबा की। पता तो यहाँ पे अंदर जो ये चोला चढ़ रहा है बाबा का, इसमें अंदर घुस के बाबा पाठ करते थे हनुमान जी के जो भगत तेरे। अभी इनकी जो समाधि दिखाई थी और इनका बहुत ही बड़ा चमत्कार था यहाँ पे, जो आज हम यहाँ देख रहे हैं उन्हीं की महिमा ये करा हुआ सब। और यहाँ पे साक्षात हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। वो इसमें आवे अब तो गंदा पानी, गाइस ये यहाँ का कुंड है, अब तो गंदा पानी आता है जैसा सफाई वफाई का। गाइस उत्तराखंड मंदिर के दर्शन कर लिए हैं बालाजी महाराज के, अब जाएंगे यहाँ से मथुरा और वृंदावन। तो दिखाते आपको आगे का।